It's rightly said, laughter is the best medicine. What are the things that make you feel happy in love? Well, being with proximity with nature gives me immense pleasure. What about you? Assalamu alaikum dear students, this is Imran sir, your English teacher and today I am going to teach you lesson number 7 of class 5th English textbook. It's a beautiful poem, Laughing Song, written by William Blake. This poem is a song about laughter. The poet is inviting the readers to laugh and be merry. As the name suggested, laughing song, the poet wants us to come and join in the chorus along with him. I'm not only going to recite this poem, I'm going to sing this poem for you. As the poem has been composing in such a way that one can sing it. So let's sing this poem. Laughing song. When the green woods laugh with the voice of joy, and the dimpling stream runs laughing by. When the ear does laugh with a merry wit, and the green hill laughs with the noise of it. When the meadows laugh with the lily green, and the grasshopper laughs in the merry scene. When Mary and Suzanne and Emily. With your sweet round mouth sing Ha Ha He. When the painted birds laugh in the shade. Where a table with cherries and nuts is spread. Come live and be merry and join with me. To sing the sweet chorus of Ha Ha He. So this was the reading of this poem Loving Song in a chorus style or in a song style. Now, i will again read this poem word by word i will give you explanation in urdu of each sentence each stanza and each word and i hope you will understand it properly and completely let's start first of all we need to know what's laughing song laughing song kise kehte hain laughing kehte hain hasne ko hasna और सॉन्ग हम कहते हैं गाने को तो लॉफिंग सॉन्ग हम कहते हैं वो उस गाने को जिसमें हंसा जाए जिसमें हंसी हो ठीक है डिम्पलिंग स्ट्रीम रन लॉफिंग बाय तो जैसा कि हमें पता है ये जो पोयम है इसमें तीन स्टेंजा है और हर स्टेंजा में चार चार लाइने हैं एक दो तीन चार एक स्टेंजा हुआ एक दो तीन चार दूसरा स्टेंजा हुआ एक दो तीन चार तीसरा स्टेंजा हुआ तो द पोएम हैज बीन डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेंडाविंग फोर लाइन ईच और उसके बाद हम राइम स्कीम भी देखेंगे इस पोएम की सबसे पहले हम इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं तो लेट्स स्टार्ट व्हेन द ग्रीन वुड्स लॉफ विद वॉइस ऑफ जॉय ग्रीन वुड्स हम कहते हैं सब्ज जंगलों को मतलब जंगलों को तो जैसा कि हमें पता है वुड्स वुड वूद हम बोलते हैं लकड़ी को वुड हम बोलते हैं लकड़ी को लेकिन जब हम वुड के साथ लास्ट में एस लगाते हैं तो वो बन जाता है वुड्स और वुड्स की मीनिंग बन जाती है जंगल जंगल या इंग्लिश में जिसे दूसरा नाम हम कहते हैं फॉरेस्ट 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 जब सबज जंगल खुशी से हंसते हैं या चहचहाते हैं वॉइस ऑफ जॉय मीन्स खुशी से लॉफ विद वॉइस ऑफ जॉय खुशी से हंस लेना जब सबज जंगल जब जंगल खुशी से हंसते हैं चहचहाते हैं एंड डिम्पलिंग स्ट्रीम रन लॉफिंग बाय डिम्पलिंग स्ट्रीम डिम्पलिंग हम कहते हैं उस चीज को जो ऊपर नीचे होती है ऊपर ऊपर नीचे डिंपलिंग ऊपर नीचे जब स्ट्रीम होती है स्ट्रीम का मतलब होता है नदी जो हमारी नदी होती है जब वो जो हमारा झरना होता है जब वो बहता है तो उसके पानी को ऊपर नीचे हो जाता है अप अप और डाउन डाउन करता है और वो करकर के वो है वो हंस रहा लॉफ कर रहा है वो भी हंस रहा है वेन दर डॉफ विदेट एंड द ग्रीन हिल लॉफ विद इट तो जो हवा होती है एक दूसरे की बातें कर करके उन बातों को सुन के वो भी हंसते हैं वेन द ईयर लॉफ विद मेरीविट्स जब हम बातें करते हैं लेकिन मैरीविट्स मजाकिया बातें मजाकिया बातें मजाकिया बातें करके क्या होता है वो हवा हंसती है जो हवा गुजरती है जो ब्रीज होती है जो एटमॉस्फेयर होता है वहां पे, वो हमारी बातें सुन के वो बातें जो हंसी वाली बातें होती है और वो हमारी मजाकिया बातें सुन के वो हंसी वाली बातें सुन के हंसते हैं एंड ग्रीन हिल लॉफ्स विद इट और जो ग्रीन हिल्स होते हैं सब्ज पहाड़ जिसे हम कहा जाते, कह, कह, कह सकते हैं सब्ज़ सब्जी सब्ज पहाड़ जो सब्ज पहाड़ होते हैं वो भी हंसते हैं किसके इसके शोर की वजह से जो हम मेरीविट्स करते हैं बातें करते हैं मज़ाकिया बातें करते हैं उस शोर से उस शोर से जो ग्रीन हिल्स होते हैं पहाड़ होते हैं वो भी हंसते हैं तो यहां पे हमारा पहला स्टेंजा कंप्लीट होता है और हम पहले स्टेंजा में देखते हैं कि इनकी राइम स्कीम क्या है तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी राइम स्कीम है ए ए वॉइस ऑफ जॉय लॉफिंग बॉय तो ये जॉय और बॉय ये राइम करते हैं तो ए ए उसके बाद दूसरी लाइन तीसरी लाइन में है मैरी विट और लास्ट में है नॉइज ऑफ एट और लास्ट में है नॉइज ऑफ एट तो ये क्या है ये भी बात मैच करते हैं ये भी राइम करते हैं तो ये हो जाता है बी बी ए ए बी बी तो हमारे पहले स्टेंजा में जो राइम स्कीम है वो है ए ए बी बी तो ये आपको याद रखना है उसके बाद आ जाते हैं दूसरे स्टेंजा पे वेन द मीरोज लॉफ विद लिवली ग्रीन एंड द ग्रॉस सुपर लॉफ इन द मैरी सीन मीरोज मीरोज हम कहते हैं घास के मैदान घास के मैदान घास के मैदान मीडोज हम कहते हैं घास के मैदानों को वो भी हंसते हैं वो भी खुशी से हंसते हैं जब हवा आती है और वो जो उस मीडोज में उस फील्ड में उस खेत में घास होता है उस हवा की वजह से वो घास लहरा रहाता है और जब वो लहरता है जब वो लहरा रहा, लहरा लहराता है तो उसकी वजह से वो भी हंसते हैं वो मीडोज भी ऐसा लगता है जैसे वो हंसते हैं एंड द ग्रॉस सुपर लॉब्स इन द मैरी सीन और ये मंजर देख के ग्रॉस उपर आपको पता ही है जो हमारे फील्ड में होते हैं वो इंसेक्ट टाइप तो वो भी हंसते हैं यह मंजर देख के ये खूबसूरत या प्यारा मंजर देख के वो ग्रॉस ऊपर भी हंसते हैं प्यारा मंजर वेन मैरी एंड सुजन एंड इमली विद स्वीट राउंड माउथ सिंग हा हा ही अब यहां पे दूसरी लाइन में कहा जाता है मैरी एक बच्चा होता है सुजान दूसरी दूसरा बच्चा होता है और एमलि तीसरा बच्चा होता है तो ये तीनों बच्चे तीनों बच्चे जो होते हैं ये क्या करते हैं विद स्वीट राउंड माउथ सिंग हा हा ही जब ये गाते हैं हा हा ही गाते हैं अपने प्यारे होटों से अपने खूबसूरत प्यारे होटों से जब ये गाना गाते हैं तो यहां पे हमारा दूसरा स्टेंजा कंप्लीट होता है अब हम इसमें राइम स्कीम चेक करेंगे कि इसमें राइम स्कीम क्या है सबसे पहले ग्रीन तो ये होता है हमारा सी फिर सीन तो ये भी बन जाएगा सी तो सी सी फिर है इमली तो ये है डी इसके साथ क्या मैच करता है ही। इमली ही तो ये भी डी है तो पहले स्टेंज़ा में हमने देखा ए ए बी फिर दूसरे स्टेंज़ा में हमने देखा सी सी डी डी जैसे कि जॉय बॉय वेट एट ग्रीन सीन इमली ही ठीक है तो ये हम हमारे तीन सेंटेंस ये जो तीन स्टेंडा होते हैं या दो दो स्टेंज़ा होते हैं ये हमारे कंप्लीट होते हैं अब तीसरे पे हम आते हैं पेंटेड बर्ड्स इन शेड जो पेंटेड बर्ड्स होते हैं जब वो हंसते हैं लॉफ करते हैं जब वो हंसते हैं पेंटेड बर्ड सबसे पहले हम कहते हैं रंग बिरंगे या रंगीन रंग बिरंगे रंग बिरंगे रंग बिरंगे परिंदे रंग बिरंगे परिंदे जो ये रंग बिरंगे परिंदे होते हैं ये भी हंसते हैं इसी आसना में ये भी हंसते हैं इसी चीज को देख के ये भी हंसते हैं वेयर आवर टेबल विद चेरीज एंड नट्स स्प्रेड क्या कब हंसते हैं जब हमने अपने मेजों पे अपने टेबल्स पे चेरीज बिछाए हुए होते हैं एंड नट्स और नट्स उसके साथ होते हैं जब हमने नट्स और चेरीज स्प्रेड किए होते हैं किस पे अपने पे और वो खा के वो रंग परिंदे भी हंसते हैं कम लिव एन बी मेरी एंड ज्वाइन विद मी आप आ जाओ और खुश रहो और मेरे साथ मिल जाओ ये पोइट हमें कहता है कि आप आ जाओ खुशी से और मेरे साथ मिल जाओ टू सिंग द स्वीट कोरस ऑफ हा हा ही किस लिए आ जाओ ताकि आप भी गाओ ये खूबसूरत गाना हा हा ही जो कौन सा गाना जो मैरी सुजैन एंड इमली गाती है आप भी वो गाना गाओ मेरे साथ आके मेरे साथ मिलके जुल के हम वो गाना गाएंगे स्वीट कोरस मींस प्यारा गाना गाना कोरस मतलब तो गाना तो दिस इज द पोएम रिटन बाय विलियम ब्लेक एंड आई हैव गिवन यू वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट

तीसरे में राइम स्कीम हमने अभी देखनी है शेड स्प्रेड तो ये है ई e एफ क्योंकि शेड और स्प्रेड ये अलग है ये आपस में राइम नहीं करते हैं तो ये ई e बन जाएगा ये एफ बन जाएगा और मी ही तो ये जी बन जाएगा ये भी जी बन जाएगा तो ए बी ए ए तो ये है हमारी इस पॉइंट की राइम स्कीम एंड मोर ओवर लेट मी टेल यू थ्रू आउट पॉइम इस पूरी पॉइम में पोइट इज रिजॉय द बुटी ऑफ नेचर क्या करता है पोइट इस पॉइम में पोइट जो होता है विलियम ब्लेक जो होता है वो क्या करता है वो खुशी मनाता है किस नेचर को देख के नेचर की खूबसूरती कुदरत के मनाजिर देख के वो खुश हो जाता है एवरी थिंग इन द नेचर इज हैविंग ए गड़ा टाइम मीन्स हैप्पी टाइम जो भी कुछ भी नेचर में कुदरत में जो भी है जो अल्लाह ताला ने बनाया है हमारे लिए उसमें क्या होता है उसमें हमें एक अच्छाई मिलती है एक अच्छा समा मिलता है एक खुशी का मौका मिलता है एक खुशी का वक्त मिलता है सो द टॉस्क फॉर यू एट द एंड इज टू सिंग दिस poem अगेन फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस poem. इन दिस poem, द poet एक्चुअली डिस्क्राइब्स द beauty ऑफ नेचर इस नज्म में शायर ने कुदरत की खूबसूरती को दर्शाया है कुदर, कुदरत की खूबसूरती को दिखाया है तो ये जो हमारी पोएम है ये इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह पोएम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुई होगी और इंशाल्लाह मैं आपको इसका मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा और आप इसको क्या करोगे आपके लिए होमवर्क है आपके लिए टास्क है कि आप इसको फिर फिर से पढ़ो और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगे आप बता सकते हो वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी असल वरहम